अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयदा अरमला हसन। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जनाब मिड ऑफ वीक में आ चुके हैं, मतलब अपने दिल को आप सब लोग हौसला और तसली दें कि अभी कुछ दिन बाकी हैं आपके वीकेंड में, क्योंकि मंडे से आपको फिर डिप्रेशन शुरू हो जाता है। पूरा हफ्ता है बस, मिड ऑफ वीक में हम एंटर हो गए, तो मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता वीकेंड की जानेब हम बढ़े हैं, क्योंकि इन दिनों में आपको थोड़ी थोड़ी सुस्ती भी हो रही होती है कभी कभी। मुझे हो रही है आजकल, पता नहीं क्यों, और सुस्ती की वजह से ना आपको सुबह उठने को दिल ना कर रहा हो ना, ये बड़ा मसला काम खराब होता है। हालांकि जब आप उठ जाएं तो आप बिल्कुल फ्रेश होते हैं और सारा कुछ होता है, लेकिन जो उठने वाला एक प्रोसीजर है ना उसमें थोड़ी मुश्किल आती है। लेकिन कोई बात नहीं ना, अब हम आपको जगाने के लिए आ चुके हैं। मैंने चाय के साथ अपने दिन का आगाज़ कर लिया और चाय के मकसद मेरी आँखें भी खुल गई। अच्छा जी, अब दिन के आगाज़ पर हम आपके साथ रिसर्च शेयर करेंगे और आपको बताएंगे, क्योंकि हम रोड और ट्रैफिक सेंस के हवाले से बहुत बात करते हैं, जब हम पेडेस्ट्रियन यानी पैदल चलने वालों के हवाले से बात करते हैं तो उनके लिए बहुत सारे इकदाम किए जाते हैं, और इंटरनेशनली जो पैदल चलने वाले हैं उनको बहुत रिस्पेक्ट भी इस हवाले से दी जाती है कि अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो पहले से ही गाड़ियां रुक जाती हैं, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको देखने में मिलती हैं। लेकिन चूँकि अक्सर ऐसी रोड्स होती हैं जहाँ पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो बहुत तेज़ी से हो रही होती है, ट्रैफिक जो गाड़ियों की स्पीड है बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे में राहगीरों को बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन कोरियंस ने इसका हल निकाल लिया जनाब, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जिसके तहत अगर कोई पैदल चलने वाला जो है वो गाड़ी के पास से रोड पर से गुजर रहा है तो गाड़ी में आपके मोबाइल फ़ोन में एक ऐप होती है और जिससे पता लग जाता है। और इसको मैं बता देती हूँ कि किसने बनाई है, कोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड बिल्डिंग टेक्नोलॉजी ने ये सिस्टम तैयार किया है। इसमें थर्मल जो जिसको आप कहते हैं हरारत महसूस करने वाले कैमरे की मदद से पहले देखा जा सकता है कि रात के वक्त कोई सड़क अबूर कर रहा है। जैसे ही कोई रोड क्रॉस करने की कोशिश करता है तो उस रोड की सीध में जो है LED लाइट्स रोशन होना शुरू हो जाती हैं। इसके लिए जगह अबूर करने के लिए जगह या जेब्रा क्रॉसिंग आप जिसको कहते हैं उस पर LED लाइट्स जो है वो रोशन होती हैं, जो ड्राइवर को 50 मीटर के फासले पर नज़र आ जाती हैं, और जैसे ही ड्राइवर 30 मीटर दूर होता है ज़मीन पर लगी जो लाइट्स हैं वो जलना बुझना शुरू हो जाती हैं, और साथ ही एक इशारा भी रोशन हो जाता है जो LED नज़रअंदाज करने की सूरत में भी नुमाया हो सकता है। और दूसरी जानब पैदल अफराद के लिए भी इसके लिए बहुत एहतियात की गई है। तीन तरीकों से उनको खबरदार किया जाता है कि कोई गाड़ी बहुत तेज़ी के साथ आ रही है, और ये स्पेसिफिक स्पीड के अकॉर्डिंगली एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से अबूर करने वाले को खबरदार कर देते हैं, और पहला अलार्म ये होता है, दूसरा अलार्म ये, और तीसरा अलार्म ये होता है कि राहगीर की जो एप्लीकेशन है उसमें आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन महसूस होना शुरू हो जाती है। एक्सपेरिमेंटल तो आप इसको 1000 के करीब लोगों पर टेस्ट किया गया और उससे इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि 83% जो लोग हैं वो ड्राइवर जो हैं वो मोहतात हो गए रात के वक्त, क्योंकि वहाँ पर LED लाइट्स रोशन हो रही थी अलार्म से, और उनके रोशन होने से उनको अंदाज़ा हो गया कि रात के वक्त यहाँ पर कोई लोग जो हैं सड़क अबूर कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स की रेशो में भी बहुत कमी आई। 83% जो ड्राइवर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी अपनी स्पीड कम कर दी थी। तो ये एक तजर्बा काफ़ी हद तक कहा जा सकता है कि कोरिया में कामयाब हुआ है, और जो पैदल चलने वाले अफराद हैं उनकी ज़िंदगी को भी सिक्योर किया गया, और साथ साथ ड्राइवर्स को भी अवेयर किया गया कि अगर कोई रोड पे इस तरह से रात के वक्त क्रॉस कर रहा है तो इन लाइट्स के थ्रू या इन इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स के थ्रू उनको अवेयर हो जाते हैं कि इनको अपनी स्पीड को स्लो डाउन करना है। तो जनाब ये बड़ा एक अच्छा सिस्टम है, और इसके अगर ये चल जाए इंटरनेशनल तो इससे बहुत फ़ायदा भी हो सकता है। अच्छा जनाब, अगली रिसर्च हम शामिल करेंगे और आपको बताएँगे, और इस हवाले से बताएँगे कि दुबई में आपको पता है हर तरह से कोई ना कोई नई इनोवेशन जिद्दत टेक्नोलॉजी की दुनिया में हो या जैसे मर्जी हो वो इसमें बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे होते हैं। अभी जनाब एक ऐसी उन्होंने बनाई है, वैगन और कार के मिलाप से उन्होंने एक गाड़ी बनाई है जिसको स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल कहा जाता है या SUV कहा जाता है। ये अमेरिका और यूरोप में बहुत ज़्यादा मकबूल है, लेकिन दुबई के एक शेख साहब ने ट्रक और जीप के मिलाप से एक अजीबोगरीब ये बनाई है जनाब SUV, और जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी SUV होने का जो कहने दावा किया है, और 10 पहियों वाली ये गाड़ी है, और इसमें जो कहा जाता है फौजी ट्रक और जो एक जीप होती है उसको उसके मिलाप से ही उन्होंने व्हीकल बनाई है। और जनाब दुबई की मैं अगर बात करूं तो वहां पर गाड़ियों के हवाले से बहुत ज़्यादा लोगों को शौक भी है, वहाँ बहुत शौकीन अफराद मौजूद होते हैं, और शहरों में वहाँ जीप और इस तरह की रैलीज भी होती हैं, रेसेस भी होती हैं, तो वहाँ पर इस तरह की जो गाड़ियों का कह लें उनको बहुत खुले अंदाज में वेलकम किया जाता है। और ये कहा जा रहा है कि ये ज़ाती गैराज में सबसे महंगी गाड़ी है उन शेख की, और सोशल मीडिया पर बाज़ लोग इसे गैर ज़रूरी भी कह रहे हैं, लेकिन
कुछ मायरी ने कहा ये अगला हिस्सा इसका बहुत ही अजीब सा है, और दूसरी जानब इसके जो ईंधन की जो एक रेशो है उसको जो यूजेज है उसके वो बहुत खौफनाक हद तक उन्होंने कहा है, और ये गाड़ी वाकई बहुत अजीबोगरीब है, मतलब पहिए ऊपर नीचे लगे हुए, कुछ समझ नहीं आता, मतलब जीप और गाड़ी के मिलाप से उन्होंने ये बनाई है, मतलब कुछ तो सोचा होगा उन्होंने बनाते हुए, लेकिन कुछ लोग पसंद करें कुछ लोग ना पसंद करें, वैसे मुझे इतनी बड़ी गाड़ी की सेंस नहीं समझ आती, मतलब ठीक है शौक है, वही मैं कहती हूँ ना हमेशा शौक का कोई मोल नहीं होता, मतलब कुछ भी इंसान कर लेता है शौक। अच्छा जी, ये तो हमने आपको बता दिया इस अजीब व गरीब गाड़ी के हवाले से जो पॉपुलर हुई भी आजकल सोशल मीडिया पर, लेकिन अब हम आपको बताएंगे एक और रिसर्च, और रिसर्च क्या है जनाब, सब्जियों पर आप सवारी कर सकते हैं, ऐसा आपने कभी सोचा है जनाब, एक बहुत बड़े पेठे के ऊपर बनाएगी एक कश्ती है जिसको दरिया पर से गुजारा जा रहा है, और आप ये देख सकते हैं कि ये कश्ती बनाई गई है जिसको आप पेठे कहते हैं ना वो है ये, और उसके साथ बर्तानिया में ये जनाब एक शख्स हैं जिनका नाम है टॉम पोर्सी, और इन्होंने एक ब्रिज के दरमियान में ये कश्ती चलाई है, और ये कहा जा रहा है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज कराया जाएगा क्योंकि बेटी की सबसे बड़ी कश्ती है, और इसको दावा किया, और ये हेलोविन जो होती है उसके ख़त्म होने के बाद इस कश्ती को नुमाइश के लिए भी पेश किया जाएगा। अब जरा पिक्चर ऑफ द डे की जाने बढ़ेंगे और इसके हवाले से हम थोड़ी सी बात करेंगे, आपको पिक्चर ऑफ द डे दिखाते हैं। जी जनाब, बसेस में ये मंजर अमूमन आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स पर नजर आता है जहाँ पर लोग जो हैं बसेस के ऊपर लटके हुए हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं, और रोड सेफ्टी के हवाले से इतनी खतरनाक चीज़ है, इस पर बहुत दफ़ा आवाज़ भी उठाई जाती है कि लोगों की जो रोड सेफ्टी है उसको यकीनी बनाया जाए, और ख़ुद भी हमें मुनज़्ज़िम होकर रहने की ज़रूरत है, और इसका सबूत यह है कि इस तरह कई जानों का नुकसान भी होता है, और रफ्तार को समेटने के लिए हम समझते हैं अच्छे जनाब हम भाग दौड़ कर बस पे चढ़ जाएंगे तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ये किस कदर ख़तरनाक है आपके लिए भी और आपके इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी, तो लिहाजा रोड सेफ्टी को यकीनी बनाएं, और इस पे ऑब्वियसली एक्शन या कुछ इन बसेस के हवाले से भी होना चाहिए लोगों को कि यहाँ पर जिस तरह से बसेस पे चढ़ रहे होते हैं या इस पे ऐसे मामला होते हैं उसकी वजह से बहुत सारी जो जाने हैं वो भी खतरे में होती हैं। अच्छा जनाब, ये तो हमने आपको पिक्चर ऑफ द डे दिखा दी, अभी हम जरा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और एक इस्तीफे के हवाले से हमने डिस्कशन करनी है और रवैयों के हवाले से डिस्कशन करनी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए जागो लाहौर।